हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉलीवुड स्टार। दोस्तों एक और फिर आपको म्यूजिक वीडियो में देखने को मिलेगी बादशाह और जैकलिन फर्नांडिस की जोड़ी। जी हाँ, सिंगर बादशाह का नया गाना पानी पानी बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा और आज इस गाने का फर्स्ट लुक जारी किया गया है बादशाह की तरफ से। इसमें रिलीज डेट तो नहीं, लेकिन बादशाह ने इतना जरूर लिखा है कि पानी पानी कमिंग सून, यानी कि आने वाले दिनों में इसका रिलीज डेट आपको पता चलेगा। और कुछ महीनों पहले इस गाने का जो नाम है वो लीक हो चुका था, जिसके बाद बादशाह ने खुद कंफर्मेशन किया था कि जो गाने का नाम लीक हो रहा है मेरे, जो कि पानी पानी के नाम से लीक हो रहा है, वही उसी नाम से ये गाना रिलीज होगा ऑफिशियली। और इस गाने को हम कोरोना ठीक होने के बाद रिलीज करेंगे, बादशाह ने ये बात बोली थी। लेकिन अब जब कोरोना थोड़ा कंट्रोल हो चुका है, तो अब बादशाह ने इसका फर्स्ट लुक जारी करते हुए बताया है कि गाना कमिंग सून है। गाने को बादशाह और सिंगर आस्था गिल ने गाया है। आस्था गिल इन दिनों खतरा खिलाड़ी 11 की शूटिंग कर रही हैं साउथ अफ्रीका के कैपटाउन में। और बादशाह की बात को तो वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग चुके हैं शायद। इस गाने में एक बार फिर जैकलिन के साथ डांस करते हुए नजर आएंगे बादशाह। इससे पहले बादशाह ने जैकलिन फर्नांडिस के साथ एक गाना किया था, गाने का नाम था गेंदा फूल, जो कि हिट भी रहा था। और ये इस गाने के ऊपर कुछ बवाल भी मचा था। इस गाने के जो ओरिजिनल कंपोजर हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनका नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं है, उन्होंने बादशाह को लेके कैश भी किया था शायद इस गाने को लेकर, क्योंकि बादशाह ने उनसे बिना पूछे उनका गाना रिक्रिएट किया था। हालांकि उसके बावजूद भी ये गाना यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में रहा था और आज भी ये गाना लोग सुनना पसंद करते हैं। और इस गाने में जैकलिन और बादशाह की जोड़ी आपको देखने को मिली थी, लेकिन अब एक और गाने में बादशाह और जैकलिन की जोड़ी देखने को मिलेगी। गाने का नाम है पानी पानी, सिंगर बादशाह और आस्था गिल ने ये गाना गाया है। तो अब देखने वाली बात है कि बादशाह इस गाने का अगला पोस्टर कब रिलीज करते हैं, जो कि रिलीज डेट के साथ होने वाला है। तो अब बैक टू बैक कई सारे बड़े बड़े सिंगर के एल्बम सॉन्ग्स आपको सुनने को मिलेंगे। बीच में रुक गए थे कोरोना की वजह से, लेकिन अब एक बार फिर जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो पटरी पे आने लगी है। और उसके बाद से ही बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े सिंगर अपने अपने गाने रिलीज करने वाले हैं धीरे धीरे करके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बॉलीवुड की और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी अपडेट आपको मिले सबसे पहले।